हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खूबसूरत सी फ्लावर की रिंग का वीडियो लाए हैं। तो इसके लिए हमने दो कलर की ऊन ली। पहले कलर से इस तरह से मैजिक रिंग हमने बनाया। इस तरह से एक चेन ले लेंगे, फिर यूँ, फिर इस रिंग में ही जो ये मैजिक रिंग बनाया है इसमें 5 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हम। ये रिंग उंगली में लपेट के हमने बना लिया है। अब 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 5 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम अपने धागे को पुल कर देंगे और फर्स्ट स्टिच में जाके स्लिप नॉट बना लेंगे। तो ये हमारी रो नंबर 1 हो गई। अब फिर से हम 1 चेन लेंगे और जो हमारे पास 5 स्टिच हैं सभी में 2-2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हर स्टिच में 2 टाइम्स मीन्स टोटल इस लाइन के बाद 10 सिंगल क्रोशेट्स हो जाएंगी। 2 सिंगल क्रोशेट्स इन ईच स्टिच इस तरह से हमें करना है। तो ये टोटल हमारे पास 10 सिंगल क्रोशेट्स सेकेंड रो में हो जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे में 5 सिंगल क्रोशेट जो प्रीवियस रो की थी उसमें 2-2 स्टिच बनाते हुए 10 बना लेना है। काउंट कर लेंगे इसके बाद, फिर फर्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप नॉट ले लेंगे। थर्ड रो के लिए हम यहाँ पर 1 चेन फिर से करेंगे और अब फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशेट, सेकेंड स्टिच में 1, 2, 2 सिंगल क्रोशेट। अभी अल्टरनेट में 1 सिंगल क्रोशेट और 2 सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे हम। यानी रो नंबर 3 में हमारे पास 15 स्टिच हो जाएगी। पूरी सर्कल में 1 और 2 का ऐसे ही चलता जाएगा। एंड में हम यहाँ पे स्लिप नॉट बना लेंगे। तो ये हमारा बीच वाला पोर्शन बन जाएगा। इसमें हम धागे को कट कर देंगे और ये हमारा रेडी हो गया इस तरह से। अब सेकेंड कलर की ऊल को लेके हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर ले लेंगे इस धागे को इस तरह से और 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद इसे पलटेंगे। यहाँ जो बैक बम्प होता है ये हमारी सीधी चेन है। पीछे की तरफ बैक बम्प पे हम इस तरह से स्टिचेस को लेंगे। तो ये थोड़ा सा कठिन होता है तो हमें पास से दिखाते हैं। ये देखिए, ये बैक बम्प है यानी पीछे का फूला हुआ सा स्टिच है। इसे हम इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 स्टिच ये हो गई और जो पहली चेन है सीधे में उसका 5th। तो टोटल 6 चेन अब हमारे पास है और एक यहाँ बेस पे बना लिया। अब 2-2 करके हर को 2-2 टाइम ऐसे उतारना है। इस तरह 2-2 स्टिचेस को एक साथ हम उतारते जा रहे हैं। ये ट्यूनेशन स्टिच है। हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, ट्यूनेशन स्टिच, फिर 1 चेन लेंगे, फिर बैक बम्प पे जाएंगे यानी पीछे का फूला हुआ जो स्टिच है उसमें जाएंगे। उसको थोड़ा सा हम क्रोशे से ही बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 स्टिच टोटल हो गई और बेस पे हम फिर से जोड़ लेंगे तो ये 8 स्टिच हमारे पास हो गई। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम हमने इसको इस तरह से कंप्लीट किया 2-2 स्टिच को। अब हमें चेन नहीं लेनी है और पीछे का बैक बम्प पे ही जाना है इस तरह से। थोड़ा सा इसे क्रोशे से ही बड़ा कर लेते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6,
और वन चेन पहले से थी, 6 और हो गई, 7 हो गई, और यह बेस पे नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से बना लिया। टोटल एक पेटल को बनने में ये जो हमने बादामी कलर की यानी ऊन ली है उसकी 3 स्टिचेस लगेंगी। तो इस तरह से हो गई हमारी नेक्स्ट रो। फिर से हम वैसे ही करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 छः, और फिर जो सेकेंड वाली हमारी स्टिच थी इसमें जाएंगे और फिर से एक ग्रैब करेंगे स्टिच को, फिर 2-2 स्टिचेस को हम कंप्लीट करते जाएंगे ये इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 स्टिच हो गई हैं, 5 रो हो गई, सॉरी 6th रो में हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ही लेना है। एक स्टिच को हमने स्किप किया और नेक्स्ट स्टिच में हमने यहाँ पे एक और ले लिया। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ पे एक स्टिच कम किया तो पूरे करते में भी 6 हो गया। अब यहाँ कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे पूरे में, तो हमारी एक पेटल ऐसे रेडी होगी। यानी जो फर्स्ट रो थी उसमें 5 चेन थी, अब यहाँ पर भी 5 हमारे इस तरह से ये बन गया। ये हमारी पेटल एक पूरी हो गई है, टोटल इसमें 7 स्टिच होती हैं। और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे यहाँ बेस की और एक स्लिप नॉट बना लेंगे नेक्स्ट पेटल के लिए। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन हो गई। बैक बम्प से हम जाकर 5 स्टिच और ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये बेस की 6। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसे सेकेंड रो हो गई, एक चेन लेंगे थर्ड रो के लिए और ऐसे ही हम यहाँ पे 5 पेटल रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये रेडी होगी, तो ये 5 पेटल रेडी हो गई। एंड में हमने क्या करना है देखिए, जहाँ पे हमारी पेटल रेडी हुई फर्स्ट जहाँ स्टार्ट हुई थी वहाँ से स्लिप नॉट ले लिया हमने, धागे को एक बार और स्लिप नॉट लेके लंबा करके कट कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे विद अ लॉन्ग टेल। तो इसे इस तरह से कट किया, अब ये 2 पीसेस ऐसे रेडी।